हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया? आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो चलो बच्चों, आज हम बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और हमारा आज का क्वेश्चन हैबर विधि द्वारा अमोनिया का औद्योगिक निर्माण। तो सब बच्चे ध्यान देंगे, सब बच्चे ध्यान से देखेंगे। देखो बेटे, बोर्ड पे देखो, आज का हमारा टॉपिक हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण। ये जो हैबर विधि ये अमोनिया के निर्माण की औद्योगिक विधि है। तो जब यदि ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में हमारे आया, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? सिद्धांत। सबसे पहले उसका सिद्धांत लिखेंगे, और सिद्धांत में लिखेंगे हम रिएक्शन N2+3H2 रिवर्सिबल 2NH3 +22.4 किलो कैलोरी एनर्जी इसमें से निकलती है। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ये तो रिएक्शन आपको सबसे पहले सिद्धांत हेडिंग डालते ही रिएक्शन लिख देनी है। और रिएक्शन लिखने के बाद आप 2-3 लाइनों में इस रिएक्शन के बारे में ही लिखोगे। क्या लिखोगे? कि जब नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन की क्रिया Fe उत्प्रेरक एवं मॉलिब्डेनम वर्धक की उपस्थिति में 200 वायुमंडलीय दाब पर तथा 500 डिग्री सी ताप पर कराई जाती है, तो अमोनिया गैस प्राप्त होती है। तो यहाँ एक बात ध्यान रखनी है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की हमें जरूरत पड़ेगी। Fe यानी लोहे का चूर्ण उत्प्रेरक का कार्य करेगा, और मॉलिब्डेनम क्या है? वर्धक, उत्प्रेरक का वर्धक, जो उत्प्रेरक की कार्य क्षमता को बढ़ा देता है। और वायुमंडलीय दाब कितना चाहिए? 200 वायुमंडलीय दाब या 200 ATM। और ताप कितना चाहिए? लगभग 500 डिग्री सी ताप। तो इसमें एक बात ध्यान रखनी है, सिद्धांत लिखने के बाद आप लिखोगे अमोनिया की अधिक प्राप्ति। यदि आप हैबर विधि द्वारा अमोनिया बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त करना चाहते हो, तो आपको क्या कंडीशंस अप्लाई करनी पड़ेंगी, क्या शर्तें आपको लागू करनी पड़ेंगी? तो यदि इस रिएक्शन को आप देखोगे, तो इस रिएक्शन में दो चीज हैं। आप सबसे पहले ताप की बात करो। ला शतालीय का नियम तो हमने पढ़ाई था कक्षा 11 में, ला शतालीय का नियम। तो यदि ताप की बात करो, तो ताप कैसा होना चाहिए? कम होना चाहिए। यदि इस रिएक्शन में आप टेम्परेचर कम रखोगे, तो आपको अमोनिया की प्राप्ति अधिक मात्रा में होगी। अब सवाल यह है कि ताप कम रखने से अमोनिया अधिक मात्रा में प्राप्त कैसे होगी? इस चीज को आप कैसे समझाओगे? तो बेटे, ला शतालीय के नियम से देखो जरा। यहाँ आप यूं देखो कि इधर हमारे पास अभिकारक हैं और यहाँ है उत्पाद। यूं बताओ कि रिएक्शन में उत्पाद जो प्रोडक्ट बन रहे, प्रोडक्ट के साथ ही क्या निकल रही है? एनर्जी। कितनी एनर्जी निकल रही है? 22.4 किलो कैलोरी। क्योंकि इस रिएक्शन में एनर्जी या हीट निकल रही है, इसलिए रिएक्शन को देखते ही पता चल रहा है कि रिएक्शन कैसी है। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, ऊष्मा क्षेपी या एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया उसे कहते हैं जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है या निकलती है। अब इस रिएक्शन में देखो, इधर लिखा हुआ +22.4 किलो कैलोरी। यदि इस रिएक्शन में आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, यानी कि ताप बहुत ज्यादा रखा, तो ताप ज्यादा रखने से क्या होगा? कि ताप ज्यादा रखने से आप इस Q का मान या इस ऊष्मा का मान बढ़ा दोगे, और यदि ऊष्मा का मान बढ़ गया, तो रिएक्शन का स्पीड बैकवर्ड डायरेक्शन में फास्ट हो जाएगा, विपरीत दिशा में तेज हो जाएगा अभिक्रिया का वेग। और यदि अभिक्रिया का वेग विपरीत दिशा में तेज हो जाएगा, तो अमोनिया कम प्राप्त होगी। और यदि आप ताप यानी Q का मान या T का मान या ऊष्मा का मान कम रखोगे, तो क्या होगा? अभिक्रिया का वेग अग्रिम दिशा में तेज होगा। और अभिक्रिया का वेग यदि अग्रिम दिशा में तेज होगा, तो अमोनिया क्या होगी? अधिक प्राप्त होगी। तो आपको ये बात जरूर ध्यान रखनी है कि यदि अमोनिया की अधिक प्राप्ति आपको चाहिए, ज्यादा यील्ड चाहिए अमोनिया की, तो टेम्परेचर कैसा होना चाहिए? कम होना चाहिए इस पर्टिकुलर रिएक्शन में। अब आप यूं देख रहे होंगे कि टेम्परेचर तो 500 डिग्री सी है। 500 डिग्री सी बेटे बहुत ज्यादा टेम्परेचर नहीं होता है। ध्यान रखना है कि 500 डिग्री सी टेम्परेचर को हम कम ही मान के चलेंगे। अब बात आई दाब की, कि दाब अधिक होना चाहिए। दाब कैसा होना चाहिए? अधिक। अब सवाल यह है कि क्यों होना चाहिए दाब अधिक? दाब अधिक इसलिए होना चाहिए क्योंकि ला शतालीय के नियम से आप जब चलते हो, तो इधर देखो कितने अणु हैं या कितने मोल हैं। एक तो है नाइट्रोजन का और 3 है हाइड्रोजन के। टोटल कितने मोल हो गए? 4। इधर 4 मोल हैं या 4 अणु हैं,
और इधर कितने मोल हैं, 2 मोल कह दो या 2 अणु कह दो अमोनिया के। तो यदि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करती है तो अणुओं की संख्या या मोलों की संख्या क्या होती है, घटती है। देखो 1 मोल इसका, 3 मोल इसके, कितने मोल हुए, 4, यहाँ कितने मोल हुए, 2, तो मोलों की संख्या घट रही। और मोलों की संख्या घटने पर यदि आपको स्पीड बढ़ाना तो दाब आपको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि दाब बढ़ाने से अभिक्रिया का वेग, लास तालिये ने बताया था कि दाब बढ़ाने से अभिक्रिया का वेग उस दिशा में बढ़ जाता है जिस दिशा में अणुओं की संख्या घट रही हो। दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग उस दिशा में बढ़ जाता है जिस दिशा में अणुओं की संख्या क्या हो रही हो, घट रही हो। तो इधर अणु है 4, 1 और 3 4, इधर अणु है 2। तो यदि इस रिएक्शन में आप दाब बढ़ाओगे तो अभिक्रिया का वेग अग्रिम दिशा में बढ़ेगा, क्योंकि अणुओं की संख्या अग्रिम दिशा में घट रही है, 4 से 2 हो रहे हैं। और अभिक्रिया का वेग यदि अग्रिम दिशा में तेज हो जाएगा तो आपको अमोनिया गैस अधिक मात्रा में प्राप्त होगी। तो यह बात ध्यान रखनी है कि हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण जब भी हम करेंगे तो अधिक मात्रा में अमोनिया को प्राप्त करने के लिए ताप कम रखना है हमें और दाब क्या रखना है, अधिक। अब यदि कम टेम्परेचर पे आप रिएक्शन को प्रोसीड कराओगे तो स्पीड रिएक्शन की फिर भी इतनी ज्यादा प्रभावित नहीं होती है, इसलिए हम उत्प्रेरक और वर्धक यूज कर रहे हैं जिससे रिएक्शन की स्पीड फास्ट हो जाए। यदि ताप कम रखोगे, दाब अधिक रखोगे, Fe उत्प्रेरक रखोगे, मॉलिब्डेनम वर्धक रखोगे, चारों चीज भी आप रखोगे, जब भी अमोनिया की जो प्राप्ति होगी वो 10% होगी। कितने प्रतिशत, 10%। यदि आप इन सारी चारों कंडीशंस को अप्लाई करोगे, उत्प्रेरक, वर्धक, और ये क्या है, दाब, और ये क्या है, ताप, ताप कम रखोगे, दाब अधिक रखोगे और उत्प्रेरक और वर्धक भी यूज करोगे, तो भी आपको अमोनिया 10% ही मिलेगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इन सारी बातों को लिखने के बाद आप आ जाओगे किस पे, विधि पे। विधि इसकी बहुत इंपॉर्टेंट हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपको इसकी विधि लिखनी है तो विधि लिखने से पहले आप ये चित्र या डायग्राम बनाओगे, और इस डायग्राम को बहुत सिंपल वे में बनाओगे जैसे मैंने बनाया है। इस डायग्राम में क्या है, 4 मैंने बॉक्स बनाए, 1 2 3 4, कितने बॉक्स हैं बेटे, 4 बॉक्स हैं। पहले बॉक्स का नाम हमने क्या रखा, कंप्रेसर पंप, यह एक पंप है। दूसरा बॉक्स क्या है, उत्प्रेरक कक्ष। उत्प्रेरक कक्ष में क्या भरा हुआ है, लोहे का चूर्ण और मॉलिब्डेनम, Fe उत्प्रेरक और मॉलिब्डेनम वर्धक, ये भरा हुआ है इसमें। और यहाँ पे एक बात ये भी ध्यान रखनी है कि उत्प्रेरक कक्ष का जो टेम्परेचर है वो तो 500 डिग्री C है, और प्रेशर कितना है, 200 ATM। उसके बाद तीसरा क्या है, संघनित्र कह दो या शीतलक कह दो, तीसरा जो चैम्बर है हमारा वो एक कूलर है, ठंडा करने के लिए संघनित्र या शीतलक है। और जो चौथा चैम्बर है उसका नाम है पंप, या कंप्रेसर पंप कह दो या पंप कह दो, एक ही बात है। तो दो तो हो गए हमारे पंप, सबसे पहले एक पंप है, सबसे बाद में एक पंप है, एक है उत्प्रेरक कक्ष और एक है संघनित्र या शीतलक। तो प्रोसेस कैसे स्टार्ट होगी, सब बच्चे ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंप्रेसर पंप में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को भेजेंगे, किस अनुपात में, 1:3 के अनुपात में। 1:3 के अनुपात में कंप्रेसर पंप में आप नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को भेज दो, ये दोनों आपस में जो है घुल जाएंगी, पर यहाँ पे रिएक्शन होने की नहीं, बिल्कुल भी रिएक्शन इसलिए नहीं होने की क्योंकि यहाँ चारों चीज है नहीं, ये चारों चीज, इसलिए कंप्रेसर पंप का काम सिर्फ इन दोनों गैसों को आगे की तरफ सप्लाई करना है प्रेशर के साथ। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को जो सप्लाई कर रहे हैं, इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि अनुपात होना चाहिए 1:3 का। देखो नाइट्रोजन का 1 मोल है, हाइड्रोजन के 3 मोल हैं, 1:3 का अनुपात होना चाहिए। कंप्रेसर पंप ने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस के मिश्रण को आगे सप्लाई कर दिया। अब वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण कहाँ पहुंचा, उत्प्रेरक कक्ष में। उत्प्रेरक कक्ष में क्या भरा हुआ है, Fe उत्प्रेरक और मॉलिब्डेनम वर्धक। इसके साथ टेम्परेचर कितना है, 500 डिग्री C, और प्रेशर कितना है, 200 ATM। तो जैसे ही नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस उत्प्रेरक कक्ष में पहुंचेंगी तुरंत उनके बीच ये वाली रिएक्शन होगी जो यहाँ लिखी हुई है, वही रिएक्शन यहाँ लिख दी हमने, N2+3H2 रिवर्सेबल 2NH3, Fe उत्प्रेरक मॉलिब्डेनम वर्धक। यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में क्रिया करके कौन सी गैस बनाएंगी, अमोनिया गैस। कहाँ बनाएंगी, उत्प्रेरक कक्ष में। पर क्या होगा,
रिएक्शन में आप देखोगे निशान किसका लगा हुआ है, रिवर्सिबल का, उत्क्रमणीयता का चिन्ह लगा हुआ है। तो जब ये रिवर्सिबल का साइन या उत्क्रमणीयता का चिन्ह लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन पूर्ण रूप से अमोनिया में नहीं बदलेंगी, इनकी लगभग 10% मात्रा ही इसमें बदलेगी। तो आप क्या करोगे, जब इस उत्प्रेरक कक्ष से गैस बाहर निकलेगी, एक पाइप लगाया हमने निकास नली, उस नली में कौन कौन सी गैसें निकलेंगी, उस नली में केवल अमोनिया नहीं निकलेगी, अमोनिया के साथ साथ नाइट्रोजन भी निकलेगी और हाइड्रोजन भी निकलेगी, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस दोनों निकलेंगी। तो यानी कि आप उत्प्रेरक कक्ष में, आपके पास जब आपने भेजा था नाइट्रोजन और हाइड्रोजन भेजी थी, पर निकली कितनी गैस, तीन गैस निकली वहां से, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन वे निकली जिन्होंने आपस में क्रिया करके अमोनिया नहीं बनाई थी। तो नाइट्रोजन भी निकलेगी अधिक मात्रा में, हाइड्रोजन भी अधिक मात्रा में निकलेगी, और कुछ मात्रा में लगभग 10% क्या निकलेगी, अमोनिया। ये तीनों गैसों का मिश्रण आपने उत्प्रेरक कक्ष से बाहर निकाल दिया। अब इन तीनों गैसों के मिश्रण को आप कहाँ भेज रहे, संघनित्र या शीतलक में। संघनित्र या शीतलक में एक लंबा पाइप लगा हुआ होगा जिसे ठंडा कर रखा होगा, किसके द्वारा, ठंडे जल के द्वारा। तो जब N2H2 और अमोनिया तीनों गैसों को आप संघनित्र में प्रवाहित करोगे, तो संघनित्र में इन तीनों गैसों को ठंडा किया जाएगा। तीनों गैसों को क्या कर रहे हैं हम, ठंडा। तो ठंडा करने पे क्या होता है, तीनों गैसों में से अमोनिया गैस ठंडी होकर किस में बदल जाएगी, द्रव में। ये लिखा हुआ है द्रव अमोनिया। तो आपको इस संघनित्र या शीतलक के बॉटम में या तली में या नीचे की तरफ कौन सी गैस मिलेगी, अमोनिया गैस कौन सी अवस्था में मिलेगी, द्रव अवस्था में। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैसें ऐसी हैं कि आप इन्हें कितना ही ठंडा कर दो, आप इन्हें ठंडा करोगे ये द्रव में नहीं बदलने की है, पर अमोनिया गैस ठंडी होगी किस में बदलेगी, द्रव में। तो यहाँ आपके पास द्रव में कौन सी गैस प्राप्त हुई, अमोनिया, और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस कौन सी अवस्था में रही, गैस अवस्था में ही रही। तो आपने संघनित्र या शीतलक से एक पाइप लिया और उस पाइप में से कौन सी गैसें निकाल ली, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, क्योंकि ये तो ठंडी होके द्रव में बदली ही नहीं थी। N2 और H2 दोनों गैसों को फिर पंप में सप्लाई कर दिया और इन्होंने रिएक्शन करी नहीं था, आपस में रिएक्शन नहीं करी थी इन्होंने, तो इन दोनों को फिर पंप में सप्लाई करा और पंप में सप्लाई करके कहाँ भेज दिया, फिर दोबारे से देखो कहाँ भेज रहे, उत्प्रेरक कक्ष में भेज दिया फिर दोबारे, कि तुमने अभी नहीं रिएक्शन करी तो दोबारा मौका दिया जा रहा तुम्हें रिएक्शन करने का। तो ये दोनों फिर सप्लाई हो जाएंगी उत्प्रेरक कक्ष में, और उत्प्रेरक कक्ष में फिर दोनों आपस में रिएक्शन करके अमोनिया बनाएगी, और इस तरीके से ये प्रोसेस चलता रहेगा। यहाँ संघनित्र या शीतलक के बॉटम में से हम द्रव अमोनिया या लिक्विड अमोनिया को निकालते रहेंगे। तो बेटे ये है हमारा हैबर विधि या हैबर प्रोसेस। तो आप इसकी तैयारी अच्छे ढंग से कर लीजिए, बोर्ड के एग्जाम में आने के क्वेश्चन के बहुत ज्यादा चांस हैं, ठीक है? तो आप इसकी तैयारी करिए, कल एक नया टॉपिक आपको मिलेगा जो बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है? ओके बाय, दैट्स ऑल फॉर टुडे।